करीब 20 घंटे बाद भी असद व गुलाम का शव लेने नहीं पहुंचे परिजन। पुलिस को है इंतजार, जबकि गुड्डू मुस्लिम के परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। कुख्यात माफिया डॉन अतिक अहमद के पुत्र असद और शार्प शूटर गुलाम के एनकाउंटर को करीब 20 घंटे गुजर गए। देर रात करीब 2:30 बजे तक दोनों का पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया, लेकिन अभी तक परिजन दोनों के शव को लेने नहीं पहुंचे। जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब शाम 5 बजे तक असद के मामा और नाना झांसी पहुंचकर दोनों के शव अपनी सुपुर्दगी में लेंगे। फिलहाल पुलिस। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन कुरैशी। कुरैशी साहब, ये जो कब्र यहाँ पे खोदी जा रही है जी, क्या मानेंगे आपको, क्या प्रशासन की तरफ से कहा गया? जी अभी कुछ सिपाही आए थे चौकी इंचार्ज, वो बता गए थे कि आप लोग यहाँ तैयार रखें, हो सकता है वो दो लाशें जो अतीक के लड़कों की है और उनके जो शूटर थे उनकी यहाँ पर आएंगी। अच्छा, तो कितना क्या आपको इसका साइज बताया गया है, किस तरीके से आप? कोई साइज तो नॉर्मल होता है, सबका एक सा होता है। उन्होंने कहा 10% है जो झांसी में लाएंगे, हो सकता है 90% के घर वाले आ जाएं और उनको ले जाएं, और ना हो पाया तो फिर वो यहाँ पर आएंगे तो मुस्लिम रीति रिवाज से हम लोग उनको दफन कर देंगे, फिर साथ दिन हमें देगा उनकी लाशें। तो क्या तैयारी आपकी? तैयारी सब है, कुछ तैयारी का कबर खोदना है और हम लोग गुसल देंगे, कफना जैसे आम मुसलमान संग किया जाता है, कोई विशेष तैयारी का आएगी इसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये अपराधी था और घटनाक्रम में वो मारा गया? नहीं नहीं, देखिए तो ऐसा है, वो पुलिस का उनका मामला है, हम तो केवल हमने समाचार सुने तो उसमें ये था कि पुलिस ने उसको इनकाउंटर करा। हाँ, पुलिस ने उनको इनकाउंटर करा, लेकिन चूंकि वो मुसलमान है और प्रशासन हमें उनकी मिट्टी अगर देता है तो हम मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। हमारी ये जीवन सा कब्रिस्तान है। अच्छा, शरीयत क्या कहती है? शरीयत तो ये कहती है किसी की लाश मिल जाए, चाहे वो अनजान हो या लावारिस हो, अगर मुसलमान आपको पता चल जाए और अगर वो अपराधी नहीं है या फिर प्रशासन से पूछा जाए तो पूछना, उसको गुसल देके उसको दफना देंगे उसको हम। पर्सनली इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? भाई पर्सनली मैं कुछ नहीं कह सकता, देखो बाबा से डरे हुए हैं लोग, मैं कहूँ मेरी सैन निकाल देंगे उनसे कि आप कौन होते हैं, इसलिए हमें पर्सनली कुछ नहीं कहना, वो उनका अपना मैटर है, वो इलाहाबाद के रहने वाले हम झांसी के, उनका जो मैटर पुलिस जाने वो जाने, लेकिन अगर वो हमें मिट्टी देते हैं यहाँ पर, प्रशासन देता है तो हम लेंगे, प्रशासन ना दे तो हमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं, अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम। जो दरोगा जी आए तो वो ये कह रहे थे कि एसपी कप्तान साहब का कहना है कि आप लोग तैयार रखो, 10% हो सकता है कि यहाँ पर दे दें वो, अगर उनके घर वाले ना आए और परिवार के लोग आ गए तो उनको दे देंगे, वो चले जाएंगे। कब्र खोदी जा रही है, दो लोग हैं उसमें? दोनों की बन रही है कब्र, दो कब्र खोदी जा रही है, दो ही का बोल गया वो।